पहले कहती हो कि सो जाओ, फिर कहती हो कि सपने मत देखो। सोने जाऊंगी अम्मी तो ऑटोमेटिकली सपने नहीं आएंगे। और अम्मी सपने देखना तो बेसिक होता है, इतना तो सबको अलाउड होना चाहिए। एक लाइन में बता क्या चाहिए तुझे, बता क्या है तेरा ड्रीम? अम्मी हम चाहते हैं कि सारा वर्ल्ड हमारी आवाज सुने। सुपर हिट, सुपर हिट। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू। वो धीरे धीरे से, वो तो पुराना हो गया, नया वाला है जोर जोर से। सुपर हिट, सुपर हिट। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू। हेलो एवरीवन, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है, अद्वैत के लिए आई एम श्योर। बट थोड़ा मैं उदास भी हूँ आज, क्योंकि हमारे साथ जो रहे हैं इतने सालों से राजू जी, वो हमारे साथ नहीं हैं आज, जो स्टिल फोटोग्राफर रहे हैं, और पिछले कई महीनों से वो मेरे साथ थे। और जब हम ट्रैवल कर रहे थे अब्रॉड, हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ, देहांत हो गया उनका। तो हम में से एक ही हैं वो, तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँ, आज वो होते तो यहाँ हमारे साथ होते, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे 2 मिनट का हम लोग खड़े होकर साइलेंस उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे प्रोडक्शन की 8वीं फिल्म है, दिस इज द 8th फिल्म दैट वी हैव मेड, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू। हम आपके साथ बांटना चाहते हैं हमारा ट्रेलर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। कम लेट्स सिट, शुड वी प्ले? हाँ ये हटा दो यार, ये कुर्सी भी हटा दें, यह चलेगा। अच्छा किरण, तो आई लाइक टू इनवाइट फर्स्ट ऑफ ऑल द डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ द फिल्म अद्वैत, प्लीज जॉइन अस अद्वैत। सुजॉय वाज फ्रॉम जी स्टूडियोज, प्लीज जॉइन अस सुजॉय, एंड द सीक्रेट सुपरस्टार जायरा, प्लीज कम। तो कैसे लगा भाई? सिट गाइस, सिट, ठीक ना? हाँ okay, fingers crossed. I always get very nervous, yeah. So guys, any questions? आप लोगों को कुछ पूछना हो तो check. Hi. थोड़ा house lights on. ये full lights है. Check. Hi. Amir sir, this is Alok. आपके right में पहले room में. Right में. Yes. हाँ. Sir. सर सवाल है, किस तरीके से सीक्रेट सुपरस्टार का आगाज हुआ और आपने हामी भरी इसे करने के लिए? दरअसल अद्वैत कई साल से मेरे साथ काम कर रहे थे, किरण के असिस्टेंट भी थे रहे हैं वो, तारे जमी पर भी उसमें भी काम किया था, प्रोडक्शन असिस्टेंट,
और फिर मेरे साथ मेरे मैनेजर के तौर पे उन्होंने कई साल काम किया। पर एक दिन अद्वैत मेरे पास आए, कहा कि मेरे पास एक कहानी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी वक्त से। तो मैंने कहानी सुनी और किरण और मुझे दोनों को बहुत पसंद आई कहानी, और हमने कहा कि ठीक है आप बनाइए, हम प्रोड्यूस करते हैं। एंड दंगल की ताबड़तोड़ कमाई एंड बहुत सारे खिताब उसने जीते हैं। उसके बाद ज़ायरा की किस तरीके से इस फिल्म में एंट्री हुई, ज़रा वो भी बताएं हमें। ज़ायरा की एंट्री एक्चुअली एक अलग तरीके से हुई, क्योंकि हम जब स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे तो हमको ज़ायरा मिली दंगल के लिए, और चूंकि मैंने देखा ज़ायरा का काम, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अद्वैत से भी कहा कि यार आपकी जो फिल्म में 14-15 साल की लड़की का जो रोल है, हमको दंगल के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिली है, एज वाइज भी सही है, तो आप उसको टेस्ट करें एंड यू कैन टेक हर ऑल्सो, शी कैन डू दंगल, उसके बाद वो सीक्रेट सुपरस्टार कर सकती है। तो अद्वैत ने देखा और अद्वैत को बहुत पसंद आया, ही टेस्टेड हर, ही लव्ड हर, और अद्वैत ने मुझसे कहा कि इसको हम लोग सीक्रेट सुपरस्टार में लेते हैं, दंगल में आप इसको मत लीजिए। मैंने बहुत ट्राई किया सर, माने नहीं, बट आई फॉट फॉर हर क्वाइट अ बिट एंड आई केप्ट ट्राइंग कि सर मत लो इसको, क्यों दे रहे हो ये रोल, मैं तो बड़ा रोल दे रहा हूँ। तो खैर मैंने कहा कि भाई आप नीतीश जी से आप दंगल कर लो, नीतीश जी से दंगल में जीतोगे तो भाई आपकी बात मान लेंगे। बट खैर ऑफकोर्स ज़ायरा वॉज देर इन दंगल एंड शी डन अ वंडरफुल जॉब इन दंगल, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीक्रेट सुपर। उस चक्कर में इनकी फिल्म डिले हो गई क्योंकि ही हैड टू वेट फॉर हर, तो करीब 8 महीने, आई थिंक अबाउट 8-9 months वी वेटेड। ज़ायरा हानिकारक बापू, अब उसके बाद ये शक्ति साहब सुपरस्टार खुद हैं, कैसा रहा अनुभव, ज़रा वो शेयर करें आप। बहुत ही अच्छा, बहुत मुझे बहुत 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 मज़ा आया इस फिल्म को शूट करने में, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए दंगल में ही वॉज अ फादर फिगर फॉर मी। एंड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीक्रेट सुपरस्टार, जब इनका ट्रायल चल रहे थे तो मैं इनको काफ़ी टाइम तक मिली नहीं थी। दंगल के बाद जब मैंने इनको देखा सी एज शक्ति कुमार, आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड, और मुझे शूट करते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत हंसी आती थी इनके शॉर्ट्स पे रिएक्शंस देने में मुझे, लेकिन ओवरऑल बहुत बहुत मज़ा आया। सो आमिर सर, माई क्वेश्चन इज टू यू, योर प्रोडक्शन हाउस इज ऑलवेज गॉन फॉर अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, सो एंड ऑलवेज टेस्टेड सक्सेस ऑल्सो, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ इट। वेल वी जस्ट गो विद अ हार्ट एज अ प्रोडक्शन हाउस, जो कहानी हमको अच्छी लगती है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वी फील कि हाँ ये बनाना चाहिए। हम अक्सर कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमें क्या बनाना है, और एज एन एक्टर भी मैंने अपने आप को वैसे ही मैंने क्रिएटिवली अपना सफ़र किया है, वॉट एवर आई बिलीव इन। सो एज अ प्रोडक्शन हाउस भी, मतलब अभी कितने साल हो गए, 17 साल हो गए, 17 सालों में हमने 8 फिल्में बनाई हैं, मतलब 2 साल में एक फिल्म करीबन। तो वी वॉन्ट टू मेक फिल्म दैट वी बिलीव इन, जिन पे हम, यू नो, वेयर आवर हार्ट इज़। हाँ अच्छा, हाँ वो लाइन है। दिनों में आप कुछ स्टार्टिंग के दिनों में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा था, या आपको किसी को सपोर्ट मिला, या आप अकेले इस तरह से? वो बबल्स की कहानी सुना, यू नो, एक्चुअली हम शूट कर रहे थे जब मैं आमिर सर का मैनेजर था, एंड पेरेंट्स केम विद दिस चाइल्ड कि वो हमारी बात सुनता नहीं है। एक शूट पे कुछ फैंस आए थे, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके, और वो आमिर सर के पास लेके आए, कहा कि यार ये हमारा बच्चा है, हमारी सुनता नहीं, आप कुछ बोल। आमिर सर ने कहा मैं क्या कहूँ, आपका बच्चा है, पढ़ता नहीं है, उसको बोलो तो ठीक से पढ़े। ये ही सेड कि एक्चुअली देखो, ये जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं एंड लाइक योर सन इज, ही सेड ये बच्चे एक के बाद एक ऊपर आते हैं, और तब वो कोक पी रहे थे, तो ही सेड वो ये डाइट कोक में जो बबल्स हैं वैसे होते हैं, एक के बाद एक ऊपर आ जाते हैं। और जब ये सीन हो रहा था, मैंने कहा मैं ये लिख लेता हूँ, किसी दिन फिल्म में यूज करूंगा। एंड एक्चुअली दिस इज आमिर्स लाइन, दिस इज व्हाट ही टेल्स अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मीट हिम, सो एक्चुअली दिस इज नॉट शक्ति कुमार्स लाइन, इट्स आमिर्स लाइन, मैंने उनसे चोरी करी जी। एंड आमिर जी, और एक सवाल कि जिस तरह से आपने ट्रेलर में जिस तरह से एंट्री मारी, मैंने देखा है कि रियल लाइफ में आप उस तरह के हैं नहीं, जिस तरह से आपने एंट्री मारी है, जिस तरह से आपके हेयर स्टाइल है, तो जब आपको कहा गया कि इस तरह से आप अवार्ड भी नहीं लेते हम, जब आपको कहा गया कि इस तरह से आपको करना है, तो क्या फीलिंग थी आपकी? एक्चुअली जब मैंने कहानी सुनी अद्वैत से तो मुझे बहुत पसंद आई, और फिर एक दिन अद्वैत ने कहा कि आप ये जो शक्ति कुमार का रोल है आप क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा यार मैं अपने आप को उस रोल में देख नहीं पा रहा हूँ। तो किरण ने भी बोला, आप सबने बोला, तो मैंने बोला एक शर्त है, मैं एक स्क्रीन टेस्ट करता हूँ, अगर स्क्रीन टेस्ट में मैंने ठीक काम किया तो देन आई कैन डू द रोल। कैन यू बिलीव, मैं अपनी पहली फिल्म के लिए आमिर खान को स्क्रीन टेस्ट करा था। तो खैर हमने स्क्रीन टेस्ट किया है, और उसमें
करते वक्त भी मुझे लगा कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है और मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर है, मुझसे मतलब बहुत ही परे, ये जो जिस किस्म का किरदार है वो मुझसे बहुत ही अलग है, तो मेरे लिए एक चैलेंज था एज एन एक्टर करने के लिए टू प्ले अ कैरेक्टर एंड लोगों को ये बिलीव हो कि ये किरदार ऐसा ही है। तो आप देखिएगा फिल्म में कैसे लगता है आपको। अच्छा मेरा सवाल किरण जी से है, टू योर लेफ्ट। हाय हेलो, नेहा फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। यहाँ हाय, आमिर का ये किरदार हमने देखा मतलब ट्रेलर में, हमें काफ़ी पसंद आया, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा उनको स्क्रीन टेस्ट में ऐसे? एक्चुअली मैं उनमें से थी जिन्होंने कहा कि ये रोल आप ना करें, ये आपसे नहीं होगा, ही इज अ काइंड ऑफ अ क्रीपी कैरेक्टर, यू नो द काइंड ऑफ गाय यू रियली डोंट वांट टू हैंग आउट विथ अलोन इन अ रूम, यू नो उस तरह का। तो मैंने कहा आप प्लीज़ मत करिए, बहुत अजीब लगता है अभी, यू नो यू डन दंगल, यू आर दिस फादर एंड ऑल, नाउ यू आर गोना डू दिस पिक्यूलियर, यू नो। पर स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा तो इतनी हंसी आई सबको कि बिल्कुल कन्विंस हो गए कि ही कैन बी दिस यू नो पिक स्ट्रेंज क्रीपी पर्सन ऑल्सो, सो ही डिड इट सो वेल कि हमको मानना पड़ा। बट ही वॉजेंट दी ओरिजिनल फिट, यू नो वी वर थिंकिंग ऑफ समवन यू लुक एट एंड ऑटोमेटिकली फील लाइक अच्छा लेट्स नॉट टेक एनी नेम्स नाउ। या